हाय गाइस, जैसा कि आपको पता है हमारी यू जी सी नेट मैनेजमेंट दिसंबर 2019 की सीरीज़ चल रही है, जिसके अंदर हम डेली कुछ क्विजेस को अटेम्प्ट करते हैं और उसके आंसर्स देखते हैं। तो चलिए आज के हम डे 5 के क्विज के अंदर हम देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं और उसके आंसर्स क्या हैं। और अगर आपको हमारा कंप्लीट कोर्स पैक लेना है यू जी सी नेट मैनेजमेंट दिसंबर 2019 का, सो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। एंड आपको अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक एक करके क्विज को बिगिन करते हैं। देखिए, जो आज की हमारी डे 5 की क्विज है, इसके अंदर हम मैनेजीरियल इकोनॉमिक्स का पोर्शन जो कि यूनिट 1 के अंदर ही कवर्ड है, इसको हम कवर करेंगे एंड इसके आंसर्स देखेंगे। आज की जो हमारी क्विज है, इसमें से कुछ बेसिक क्वेश्चन ही आपसे पूछे गए हैं, सो दैट आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए इकोनॉमिक्स की, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे हायर लेवल पे जाएंगे। तो चलिए हम क्विज को स्टार्ट करते हैं। सो जैसा कि आपको हमने अर्लियर वीडियोस में स्टेप्स बताए थे, सो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है जो कि है anujjindal.in। सो आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद आपको कहाँ पे जाना है, देखिए यहाँ पे जो आपको इस सेक्शन में जाना है, यहाँ पे आपको क्विजेस का सेक्शन मिलेगा। क्विजेस के सेक्शन में आपको जाना है यूजीसी नेट पे, और यूजीसी नेट में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर डे 5 का क्विज आपको दिख रहा होगा, मैनेजीरियल इकोनॉमिक्स यूनिट 1 डे 5, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट क्विज कर सकते हैं यहाँ से। देखिए, डे 5 के क्विज पे जाने के बाद आपको यहाँ पे बिगिन करना है। बिगिन करने के बाद आप पहला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या है, व्हेन वी टॉक अबाउट यूटिलिटी वी आर रेफरिंग टू। सो अगर हम यूटिलिटी की बात करें तो हम किसको रेफर कर रहे हैं, द डिमांड फॉर द गुड, हम डिमांड की बात कर रहे हैं, द यूजफुलनेस ऑफ गुड इन कंजम्पशन, उस गुड का यूजफुलनेस कितना होगा हमारी कंजम्पशन में, इसकी बात कर रहे हैं, द सेटिस्फैक्शन लेवल फ्रॉम कंज्यूमिंग द गुड, उस गुड को कंज्यूम करने से हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा उसकी बात कर रहे हैं, या द रेट एट विच द कंज्यूमर्स आर विलिंग टू एक्सचेंज वन गुड फॉर अनदर। सो एक ऐसा रेट जिसपे एक कंज्यूमर एक गुड को एक्सचेंज करेगा दूसरे गुड के लिए। सो ये देखिए, यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो होगा सी, दैट इज द सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग द गुड। अगर आप किसी भी गुड को कंज्यूम करते हैं और उससे जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है, वो एग्जैक्ट डेफिनेशन है यूटिलिटी की। सो अगर हम ऑप्शन नंबर 1 की बात करें तो यहाँ आपसे बोला गया है द डिमांड फॉर द गुड, यहाँ पे आपसे डिमांड ऑफ गुड बोला गया है। सो डिमांड ऑफ गुड इज अ डिफरेंट थिंग, आपको यूटिलिटी किसी प्रोडक्ट से कितनी मिली है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। सो आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे इनकरेक्ट है। अगर हम सेकेंड ऑप्शन देखें तो यहाँ बोला गया है द यूजफुलनेस ऑफ गुड इन कंजम्पशन, अगर हम किसी गुड को कंज्यूम कर रहे हैं तो उसका यूजफुलनेस कितना है। सो ये यूटिलिटी मेजर नहीं करता, ये यहाँ पे यूटिलिटी हमारा ये मेजर करता है कि उससे यूटिलिटी हमें सेटिस्फैक्शन कितनी मिली है, ना कि उसका यूजफुलनेस कितना है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी भी इनकरेक्ट है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, दैट इज द सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम कंज्यूमिंग द गुड। सो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, द रेट एट विच कंज्यूमर्स आर विलिंग टू एक्सचेंज वन गुड टू अनदर। सो यहाँ पे जो आप ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज द रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो है इनकरेक्ट फॉर द यूटिलिटी। सो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, द टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन। सो टोटल यूटिलिटी आपकी कब मैक्सिमम होती है, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन है मार्जिनल यूटिलिटी इज 0, मार्जिनल यूटिलिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू एवरेज यूटिलिटी एंड एवरेज यूटिलिटी इज मैक्सिमम। सो देखिए, इसके अंदर हम पहले यूटिलिटी का एक डायग्राम समझते हैं, उसके बाद आपको ये चीज़ इजीली समझ आएगी। सो अगर हम इसका डायग्राम समझें, सो ये कुछ इस तरीके का बनेगा। देखिए, आपकी टोटल यूटिलिटी कुछ इस तरीके से होती है, आफ्टर सम पॉइंट ये डिक्रीज होने लग जाती है। आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पे जाके आपकी, देखिए यहाँ पे जब टोटल यूटिलिटी आपकी मैक्सिमम होती है तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, 0। ओके, जब आपकी एवरेज यूटिलिटी कुछ इस तरीके से चल रही होती है, सो ये आपका है टोटल यूटिलिटी, ये आपकी है एवरेज यूटिलिटी, ये आपकी है मार्जिनल यूटिलिटी। चलिए, अब इसमें पूछा गया आपसे टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन, टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी आपकी क्या होती है, 0। सो यहाँ पे आपके देखिए, देख सकते हैं आप डायग्राम के अंदर, टोटल यूटिलिटी जब आपकी मैक्सिमम है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, 0। सो आपका जो आंसर होगा वो होगा 1, दैट इज ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला गया है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व. सो आपने पढ़ा होगा इंडिफरेंस कर्व की 6 प्रॉपर्टीज होती हैं. सो हम उनमें से देखेंगे कि इसमें से कौन सी इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी नहीं है. तो देखिए, इसमें सबसे पहला ऑप्शन जो आपको गिवन है वो है इंडिफरेंस कर्व डू नॉट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. सो देखिए, जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, इस टाइप का इंडिफरेंस कर्व होता है, इसको आईसी कर्व बोलते हैं. सो ये देखिए, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है. सो ये ना वाई एक्सिस को टच करता है ना ही एक्स एक्सिस को टच करता है. सो आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है ये इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी है. हमसे पूछा गया क्वेश्चन में कि कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है. सो आपका जो ऑप्शन नंबर ए होगा इनकरेक्ट है इसके लिए. चलिए बी देखते हैं इसका ऑप्शन. टू इंडिफरेंस कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं. दैट इज अ इनकरेक्ट ऑप्शन बिकॉज ये एक इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी है. सो यहाँ पे जो ऑप्शन बी होगा आपका वो भी इनकरेक्ट होगा. ऑप्शन सी देख लेते हैं. इंडिफरेंस कर्व नीड टू पैरेलल टू ईच अदर. इसका मतलब ये कह रहा है कि इंडिफरेंस कर्व जो है बिल्कुल पैरेलल, मतलब दोनों के बीच, दो इंडिफरेंस कर्व के बीच का डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए. दैट इज यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम. सो ये बेसिकली इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी नहीं है. इंडिफरेंस कर्व ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, कहीं ज़्यादा कहीं कम. यहाँ पे ज़्यादा गैप हो सकता है, यहाँ पे कम गैप हो सकता है. सो इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी सी तो नहीं है बिकॉज वो पैरेलल नहीं भी हो सकते. सो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा. चलिए ऑप्शन नंबर डी देखते हैं. हायर इंडिफरेंस कर्व शो हायर सेटिस्फैक्शन. हायर इंडिफरेंस कर्व हायर सेटिस्फैक्शन शो करता है. दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व. सो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा. तो इसमें आपका ऑप्शन है सी. क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें हम. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. सो इसमें से एजम्पशन कौन सी नहीं है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की. सो एजम्पशन देखिए, इंडिफरेंस कर्व जब डिराइव किया गया तो उसकी सर्टेन एजम्पशंस थी. सो एजम्पशंस हम देख लेते हैं. सो सबसे पहली एजम्पशन है रैशनैलिटी. सो यहाँ पे एज्यूम किया गया कि कंज्यूमर रैशनल होगा. सो दैट इज अ एजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व. चलिए ऑप्शन नंबर बी देखते हैं. कार्डिनैलिटी. बेसिकली कार्डिनैलिटी क्या होता है कि हम यूटिलिटी को न्यूमेरिक टर्म्स के अंदर मेजर कर सकते हैं. हम अपनी सेटिस्फैक्शन को न्यूमेरिकल टर्म्स में, क्वांटिटेटिव टर्म्स में मेजर कर सकते हैं. सो इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो ऑर्डिनल अप्रोच है. बेसिकली यहाँ पे हम यूटिलिटी को न्यूमेरिक टर्म में मेजर नहीं कर सकते. दैट इज़ वाई हम इंडिफरेंस कर्व को ग्राफ पे शो करते हैं. सो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका बी है ये ऑर्डिनल होना चाहिए था, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व के अंदर जो यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन मेजर की जाती है वो ग्राफ के थ्रू मेजर की जाती है. दैट इज अ ऑर्डिनल अप्रोच. सो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है आपका इनकरेक्ट है. चलिए ऑप्शन नंबर सी देखते हैं. डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. यस, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या कहता है कि अगर हम किसी एक गुड को दूसरे गुड के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं, सो हम हर एक नेक्स्ट लेवल ऑफ एक्सचेंज पे सब्सटीट्यूशन जो हमारा होगा वो रिड्यूस होता जाएगा. दैट इज, समझ लीजिए आपके पास 5 एप्पल्स एंड 3 ऑरेंजेस हैं. अगर आपको और ऑरेंजेस चाहिए तो आप पहली बार 1 एप्पल को एक्सचेंज करेंगे 1 ऑरेंज के लिए, लेकिन आप नेक्स्ट टाइम ये कहेंगे कि अब मैं 0.5 एप्पल्स के लिए 1 ऑरेंज की आप डिमांड करेंगे. बिकॉज आपका जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है वो क्या हो रहा है, डिमिनिशिंग हो रहा है. बिकॉज आपको ऑरेंज से मिलने वाली यूटिलिटी जो है वो रिड्यूस हो रही है. तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट है बिकॉज दैट इज अ एजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व. चलिए ऑप्शन नंबर डी देखते हैं. कंसिस्टेंसी एंड ट्रांजिटिविटी ऑफ चॉइस. कंसिस्टेंसी एंड ट्रांजिटिविटी का मतलब क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे गुड ए को प्रेफर कर रहे हैं गुड बी के लिए. सो आफ्टर सम टाइम आप गुड बी को प्रेफर नहीं करेंगे गुड ए के लिए. सो आपके पास कंसिस्टेंसी होनी चाहिए चॉइसेस की. सेकेंड आपको बोला गया ट्रांजिटिविटी ऑफ चॉइस. ट्रांजिटिविटी ऑफ चॉइस का मतलब ये होता है अगर आप गुड ए को प्रेफर कर रहे हैं बी से और अगर आप गुड बी को प्रेफर कर रहे हैं सी से, देन इससे इम्प्लाइड है कि आप गुड ए को प्रेफर करेंगे गुड सी से. सो ये ट्रांजिटिविटी भी इसके अंदर एज्यूम की गई थी. सो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन होगा वो होगा बी. दैट इज कार्डिनैलिटी इज नॉट एन एजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. तो आपका ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे. चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहा है एन इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड टुवर्ड राइट. देखिए अब यहाँ पे बोला गया आपसे जो इंडिफरेंस कर्व है वो कुछ इस डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है टुवर्ड्स राइट. ठीक है, तो इसमें बोला गया आपसे
सिंस मोर ऑफ वन कमोडिटी एंड लेस ऑफ अनदर रियल्टी, मतलब कि यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे आपकी एक्स कमोडिटी है, यहाँ पे आपकी वाई कमोडिटी है, तो आप जितना ज़्यादा एक्स की डिमांड करेंगे उतना ज़्यादा हम वाई की डिमांड कम करते जा रहे हैं। सो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इस इट विल रिजल्ट इन, इससे क्या रिजल्ट निकलेगा, सो आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी वो सेम होगी, या फिर जो आपको सेटिस्फेक्शन होगी वो ग्रेटर होगी, या फिर जो आपकी सेटिस्फेक्शन होगी वो मैक्सिमम होगी, या फिर डिक्रीजिंग एक्सपेंडिचर। सो इसका आंसर आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं, नेक्स्ट वीक में हम उसको डिस्कस करेंगे। सो आज हमने जो देखा कि आज के जो हमारे क्वेश्चंस थे वो काफ़ी इजी थे, धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा इंक्रीज किया जाएगा। वैसे इकोनॉमिक्स के हमें बेसिक्स करने भी काफ़ी ज़रूरी हैं, बिकॉज बेसिक्स से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। सो आज हमने कुछ क्वेश्चंस अटैम्प्ट करे, नेक्स्ट वीक में हम फर्दर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन एडवांस लेवल के अटैम्प्ट करेंगे। सो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपको मैनेजमेंट का कंप्लीट कोर्स पैक लेना है, जिसके अंदर आपको कंप्लीट कवरेज ऑफ आपको सिलेबस चाहिए एंड आपको डेली क्विजेस चाहिए, इसके अंदर आपको प्रैक्टिस सेट्स चाहिए, सो आप हमारे कोर्स पैक को परचेज कर सकते हैं हमारी वेबसाइट विजिट करके। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। अगर आपको कोर्स पैक के बारे में या उसके जो चार्जेस हैं उसके बारे में डिटेल चाहिए, सो आप हमारे गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और कोर्स पैक से रिलेटेड एंड उसके चार्जेस से रिलेटेड वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, सो आप उसको भी देख सकते हैं, आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।